लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास आते हुए, क्या लाशों पर राजनीति कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? अखिलेश जी, अगर कोई अत्याचार हो रहा है, सरकारिया जुर्म हो रहा है, तो किसी भी जागरूक नागरिक, जर्नलिस्ट या पार्टियां का, राजनीतिक पार्टी का, सामाजिक संस्थाओं का यह पहला कर्तव्य है कि उसकी आवाज उठावे। अगर आवाज उठाना गलत है तो हम ये गलती करेंगे। अभी बात हो रही, आपने भी कहा मुख्यमंत्री जी का कि उनका यह निर्देश है कि गरीब के साथ ऐसा ना हो। यह कैसा निर्देश है? यह निर्देश दिखाने के लिए लगता है, क्योंकि इसके पहले भी बार बार हो चुका है। वो दो जीवन मां बेटी का जल के तो राख हो गए। मुख्यमंत्री जी के आदेश का कोई उस पर, यहां के सरकार पे तो असर पड़ा नहीं, और उनके इतने अमले के सामने दो जिंदगियां चली गईं, उनकी हत्या हो गई, और कोई सुनने वाला नहीं। इतनी बड़ी जघन्य हत्या के बाद भी अभी तक वहां के जिलाधिकारी और SSP के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई पॉलिटिशियन पर्सन एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे तो हिंदुस्तान के कोने में से 24 घंटे में पुलिस जाके उसे उठा के ले आती है। लेकिन यहां पर इतना जघन्य अपराध कर लेने के बावजूद भी अभी जांच पड़ताल और खोजबीन हो रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे कई जर्नलिस्टों ने भी डाला है, वहां के जिलाधिकारी महोदय छल्ला डांस कर रही थी उस समय। ये क्या हो रहा है शासन प्रशासन में? ये कौन से मर्यादित आचरण है? अगर इसी तरह है तभी तो आरोप लगते हैं कि कथनी करनी में कोई मेल नहीं है इस बीजेपी की सरकार में। सिर्फ जुमले सुनाती है कि हम गरीबों के साथ हैं और गरीबों के लिए इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हरकत कोई कर दे रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए अखिलेश जी जो अपराधियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को यह भी बताना चाहिए, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी को पंजाब की जेल में जब इनकी सरकार थी तो उसको वहां पे एक दमादार सेवा क्यों कर रही थी? आखिर वोट बैंक का ऐसा कौन सा लालच था जो इतने बड़े अपराधी को, कि जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार मांग रही थी और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा? तो यह अपराधियों को बचाने वाले और जो अपराधियों को पंजाब में बैठ करके दूध पिलाने वाले जो लोग हैं वो आज अपराधियों की बात, अरे आलोक अवस्थी जी, मानवता की बात कर रहे हैं। उसी बुलडोजर पर तो आपको वोट भी मिले ना सर दोबारा उत्तर प्रदेश में, उसी बुलडोजर पर न्याय के नाम पर आपको वोट भी मिले हैं, लेकिन न्याय के नाम पर चल रहा ये बुलडोजर किसी गरीब का अगर झोपड़ी उजाड़ेगा तो आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि बड़े अधिकारियों को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? आलोक अवस्थी जी, बात यहां पर अतीक अहमद और बाकी गुंडे माफियाओं की नहीं हो रही है, बात उस गरीब परिवार की हो रही है जिसकी 20 बकरियां जलकर मर गई मां और बेटी के साथ। 41 साल की मां, 21 साल की बेटी नेहा, 21 साल की उस बेटी की घर से विदाई होने वाली थी, उसकी शादी तय थी, अब उस घर से उसकी अर्थी निकल रही है। चित्रा जी, यह बहुत दुखद है और इस मामले में हम फिर कह रहे हैं कि एक बार उनकी बात की नहीं, यह दुर्दांत और यह दुखद घटना हुई है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि इस प्रदेश को जो जंगल राज से हमने बदल के रखा है, इस दुर्घटना की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये वाकई हृदय विदारक है, मेरा भी दिल फट जाता है। अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? इधर उधर नहीं, नहीं नहीं नहीं, अवस्थी जी इधर उधर नहीं, अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? क्योंकि एक महीने पहले जब उनका पक्का घर गिराया गया था, यही पूरा का पूरा परिवार अधिकारी के दफ्तर जाता है, वहां पर धरना देता है कि भैया हमको आवास दिलाइए। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, न जाने कितने लोगों को घर मिल गया है, वहीं एक परिवार को धरना देना पड़ रहा है कि भैया हमको घर दे दो, मेरा आवास नहीं उजाड़ो, और उस घर को ढहाने के बाद एक महीने के बाद जाकर बुलडोजर झोपड़ी पर चलता है। चित्रा जी, अब सरकार इस पर जो है निश्चित कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, उच्च अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई होगी वो जांच के उपरांत की जाएगी, जांच बैठा दी गई है और हम किसी भी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस तरह की घटना में किसी को बचाया जा नहीं सकता है और आप निलंबन कर रहे हैं, छुट्टी पर भेज रहे हैं, क्या इस तरह से आप परिवार को न्याय देंगे? अवस्थी जी, नहीं, पुलिस गिरफ्तार करेगी इनको, जिनके भी खिलाफ FIR हुई है पुलिस गिरफ्तार करेगी और निलंबित करने का, जो कि वो एक राजपत्रित अधिकारी है, उनको निलंबन पहले किया जाएगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी, पुलिस टीमें लगाई गई हैं, किसी को बख्शने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो दुर्दांत और जिस तरह की दुर्घटना और जिस तरह का अपराध किया गया है, इसके लिए अजय सकती सरकार SHO को छुट्टी पर क्यों भेजा गया? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई हो रही है
और आपको मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का समय और दीजिए, और भी गिरफ्तारियां होंगी, बड़े विकेट भी गिरेंगे, और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो पीड़ित परिवार को भी जो है राहत और उसके बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है कुछ समय के बाद अभी आपके सामने। ठीक है अखिलेश जी, आप पहले अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद अनुराग मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, देखिए अखिलेश जी, लेकिन इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, गंभीर सबका जो मंसूबा हो या लक्ष्य हो उस परिवार को न्याय दिलाना होना चाहिए। ये आवाज उठाना पॉलिटिक्स अगर आप सोच रही हैं, कह रही हैं, तो ये बुरी चीज नहीं है। आप देखिए बड़े गंभीर विषय है चित्रा जी, आपने उस पर थोड़ा सा प्रकाश भी डाला। ये परिवार वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री की इंटरफेरेंस से, जिलाधिकारी से उन्होंने बात की, इन्हीं की पार्टी के राज्य मंत्री हैं जो महिला है, और ये परिवार डीएम से मिलने जाता है, कहता है कि मेरी सुन लो, मुझे ये सुविधा प्रदान कर दो, और उनको वहां से भगा करके इनके ऊपर उल्टे FIR लिख दिया जाता है। जो हक मांगने जा रहा है, जो खुद जा रहा है कि हमको ऐसी सुविधा दे दीजिए जो सरकार की नीति के तहत है, और आज उसकी परिणति ये हुई, तो पूरी सरकार कितने दिन से ढील ढाल रवैया अख्तियार कर रही है और जरा सा भी संवेदनशील नहीं है, और इस संवेदनहीन लोगों के साथ ये सरकार जो गलबैया बैठी बड़ी बैठी पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। जंग सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कहा था कि ऐसा लगता है जैसे मानो यूपी में जंगल राज है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2 बार कमेंट किया था यूपी की सरकार के बारे में, और आज बार बार दिख रहा है। कई प्रकरण अतीत में भी ऐसे हुए हैं कि प्रशासन ने ऐसी हरकतें की हैं और उल्टे पीड़ितों के ऊपर ही दोषारोपण मर दिया गया है, 1-2 हाथ से नहीं है, शुरू से लेकर के। ठीक है, तो ये जो बार बार ये कहना कि हम बड़े संवेदनशील हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद काम खत्म। ठीक है, पीड़ित परिवार के खिलाफ त्वरित पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन का कोई मायने नहीं होता है। त्वरित पारदर्शी और सख्त कार्रवाई नहीं अगर होती है, ठीक है,